12 करोड़ की बिजली बिल जमा नहीं करने पर काटा बिजली कनेक्शन। विश्वविद्यालय के सभी विभागों में बिजली पानी की महा समस्या। दोनों विभागों का तानाशाही, कोर्ट कचहरी में चल रही है विवाद। नमस्कार, मैं हूं रोबोट 2.0 के आवाज में। आप सुन रहे हैं जी 2.0 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अब समाचार विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में 13 दिनों से बिजली नहीं है। इसके कारण अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक की परेशानी बढ़ी हुई है। इसको लेकर बुधवार को विवि के सिंडिकेट हॉल में कुलपति प्रो जवाहर लाल की अध्यक्षता में अधिकारियों, कॉलेजों के प्रधानाचार्यों व प्रशाखा पदाधिकारियों की बैठक हुई। कुलपति ने कहा कि बिजली बिल मामले में उन्होंने पूर्व में ही रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र को बिजली विभाग पर FIR दर्ज करने व मामले को कंज्यूमर कोर्ट में ले जाने का आदेश लिखित रूप में दिया था। इसके बावजूद भी रजिस्ट्रार ने आदेश को नजरअंदाज कर दिया। रजिस्ट्रार ने मामले में शिथिलता बरती, कुलपति के आदेश की अवहेलना की। इस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, FIR दर्ज कराने के लिए बात की गई। FIR दर्ज कराने के लिए उस समय जमीन संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। बैठक में FIR दर्ज कराने के लिए कहा गया, लेकिन सहमति नहीं दी गई, क्योंकि मुख्यालय के बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया है। विवि की कमेटी भी मामले में बात करने के लिए बिजली कंपनी के अधिकारी से मिलने गई थी। गुरुवार को बिजली कंपनी के अधिकारियों से मीटिंग होगी। बैठक में कुलपति ने रजिस्ट्रार को स्पष्ट शब्दों में बिजली विभाग पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। VC ने कहा कि बिजली विभाग की मनमानी के कारण विवि के प्रशासनिक भवन, सभी PG विभागों, संबद्ध इकाइयों, छात्रावासों सहित रजिस्ट्रार व प्रतिकुलपति के आवास की भी बिजली काट दी गई है। VC ने कहा कि जब तक बिजली कंपनी TMBU को पावर ग्रिड के एवज में किराए का भुगतान नहीं करेगा, तब तक विवि भी बिल का भुगतान नहीं करेगा। उन्होंने बैठक में ही बिजली बिल व विश्वविद्यालय का रेंट का हिसाब करने के लिए रजिस्ट्रार को अधिकृत किया। बिजली से जुड़े मामले का निपटारा रजिस्ट्रार स्वयं करेंगे। पेयजल की समस्या हुई उत्पन्न। कुलपति ने कहा कि उमस भरी गर्मी में लोग परेशान हैं। पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पठन पाठन, शोध, परीक्षा आदि के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। बिजली आपूर्ति बंद कर दिए जाने से PG जूलॉजी विभाग में रिसर्च के लिए बाहर से लाए गए 15 चूहे मर गए, जो काफी संवेदनशील मामला है। जनरेटर चलाकर प्रशासनिक भवन में दैनिक कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। विवि कमेटी व बिजली कंपनी के अधिकारियों की बैठक आज। रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र ने VC को बताया कि वे बुधवार की शाम करीब 3 बजे बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मामले का समाधान निकालेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रार ने DSW प्रॉक्टर DO यूनिवर्सिटी इंजीनियर को कमेटी के सदस्य के रूप में बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया है। जानकारी के अनुसार बिजली विभाग के साथ शाम में होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से टल गई। अब बैठक गुरुवार को होगी। बिल्डिंग बनने के 16 साल पहले से ही भेज दिया बिजली बिल। बैठक में अधिकारी ने कहा कि PG अंगिका विभाग का उद्घाटन वर्ष 2016 में किया गया था, जबकि विभाग का बिजली बिल का कनेक्शन वर्ष 2000 से दिखाया गया है। अंगिका विभाग का बिल्डिंग महज 8 साल पुराना है, जबकि बिल 24 साल का दिया गया है। वहीं PG पुरुष हॉस्टल संख्या 1 के बिजली बिल में भी भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। विवि के इंजीनियर ने VC को बताया कि PG पुरुष हॉस्टल संख्या 1 का बिल 1 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। हॉस्टल के बिजली मीटर का पुराने ID विभाग ने विश्वविद्यालय अभियंता को बिना सूचित किए बदल दिए हैं। इससे कई गुना ज्यादा बिजली बिल आया है। विवि NR सेंटर के कुछ ही कमरों में संचालित है। इस बिल्डिंग का बिल करीब 98 लाख का भेजा गया है। चलते हैं, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जी 2.0 के साथ यूनिवर्सिटी का न्यूज़ बस इतना सा।